राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर गुरुवार को बजरंग दल ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन भेंट किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर पर केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान बजरंग दल वालों का कहना था कि जिस प्रकार अयोध्या, नागपुर, दिल्ली और अन्य स्थानों पर सभा की जा रही है, वह मात्र नूरा कुश्ती ही नजर आ रही है, किंतु अब समाज को समझ में आ रहा है। आज हम राष्ट्रपति जी के नाम पे ज्ञापन देने आए हैं कि बरसों से जो हमारे आस्था का प्रतीक, हमारे हिंदू धर्म के आदर्श श्री राम मंदिर के लिए मुद्दा चलता आ रहा है, आज भी बरसों तक वह टेंट के मंदिर में या टेंट की एक जो झोपड़ी बनी है उसमें रह रहे हैं। हिंदू समाज, 100 करोड़ हिंदू समाज के आस्था का जो केंद्र है वो टेंट में क्यों है? जितने भी राजनीतिक अभी हमारे लोग राम मंदिर पर रोटियां सेक रहे हैं, वो रोटियां सेकना बंद करें और जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण करें, वरना हिंदू समाज विकल्प लाके बहुत ही जल्द राम मंदिर निर्माण करेगा। इसको लेकर शौर्य दिवस के अवसर पर बजरंग दल ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग नहीं पूरी होने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी है।